अमेठी में कांग्रेस पार्टी का नामांकन और नामांकन के लिए प्रियंका गांधी पहुंची है पर्चा भरवाने के लिए। किशोरीलाल शर्मा अंदर गए हैं और बाहर सड़क पर ये नज़ारा देखिए, अमेठी का नज़ारा, अमेठी का नज़ारा। और अमेठी में ढोल नगाड़ों के साथ में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर नामांकन के लिए पहुंची है। और पीछे आप जरा कैमरा उठा करके दिखाइए, पीछे तक भीड़ आपको नज़र आ रही है। समाजवादी पार्टी के झंडे, समाजवादी पार्टी के झंडे भी आपको दिख रहे हैं। ये इस वक्त में जोश आपको नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के समर्थकों का जोश आपको नजर आ रहा है नामांकन के लिए। और किशोरीलाल शर्मा को आप जब वो देखेंगे, किशोरीलाल शर्मा वहां पर रथ पर हैं और प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची हुई हैं। और यहां से जुलूस निकालते हुए आगे नामांकन के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहां पर वो आगे बढ़ेंगे। और ये तस्वीरें आपके सामने किशोरीलाल शर्मा को आप गाड़ी में देख सकते हैं माला पहने हुए। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के तमाम साथी वो यहां पर एकजुट होकर के एक सड़क पर है। क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो ये अमेठी का क्या रहेगा इस बार? अरे इस बार बहुत बहुत रोड से जीत रहे हैं। केएल शर्मा, केएल शर्मा बहुत बंपर रोड से चुनाव जीत रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर? अरे राहुल गांधी मतलब केएल शर्मा मतलब राहुल गांधी, ये बात है। हाँ हाँ, राहुल केएल, राहुल मतलब राहुल, केएल शर्मा मतलब राहुल, राहुल मतलब केएल शर्मा। ये बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ अरे बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये राहुल है या केएल शर्मा, एक ही है दोनों। लेकिन बीजेपी कह रही कि राहुल डर कर बीजेपी गई, बीजेपी गई, बीजेपी की विदाई गई, बीजेपी की विदाई होना निश्चित है। बीजेपी गई एकदम से, अमेठी वाले भाई की विदाई है, पुरानी अमेठी। लेकिन वही अमेठी है ये, राहुल गांधी नहीं आए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है राहुल गांधी से, खास कोई शर्मा लड़े या राहुल गांधी लड़े, एक बराबर। जीतेगा इंडिया गठबंधन, जीतेगा, जीतेगा इंडिया गठबंधन। राहुल नहीं, राहुल 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 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राहुल के नहीं आने से क्या रहेगा? क्या राहुल फर्क रहेगा? कौन नहीं फर्क दिया है? कांग्रेस पार्टी ने एक छोटे से आदमी टिकट दिया है, छोटे कार्यकर्ता को, वो बम्पर वोट से जीतेंगे। इसमें स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। राहुल के नहीं आने से क्या? नहीं, राहुल गांधी आए या किशोरीलाल शर्मा जी आए, दोनों एक ही बात है। अभी तक जो अमेठी का काम काज था किशोरीलाल शर्मा, किशोरीलाल शर्मा आए या राहुल गांधी आए, दोनों एक ही है। जो अभी तक अमेठी और रायबरेली का काम था वो किशोरीलाल शर्मा ही देख रहे थे। और मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। क्या असर, असर क्या रहेगा? असर एकदम एक तरफा जीत होगी, इसमें तिराने की जमानत जब होने वाली है। लेकिन बीजेपी कह रही कि राहुल गांधी डर करके चले गए। राहुल गांधी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे हिंदुस्तान का चुनाव उन्हें देखना है। हाँ, सिर्फ हाँ, अमेठी तक नहीं रहेगा। स्मृति ईरानी इस बार जमानत जब्त हो जाएगी, चूँकि कांग्रेस पार्टी ने एक आम आदमी को टिकट दिया है, इसलिए उसका स्मृति ईरानी के झुमला देख की कहानी खत्म है। जनता समझ चुकी है, झुमलेबाजी में नहीं आएगी इस बार, कांग्रेस के बड़े अंतरों से जीत होगी। लेकिन राहुल क्यों नहीं? राहुल गांधी को एक और जनपद देखना है, एक लोकसभा और देखनी है, और अमेठी और रायबरेली दोनों सीट इतने बहुमत से जीतने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन का परचम पूरे देश में लहराएगा। ये मान करके चल रहे हैं आपकी राहुल नहीं है तब भी जीत होगी, आप ये कह रहे हैं? अगर जीत निश्चित होगी, यहाँ तानाशाही की जीत नहीं होगी, यहाँ पे भी अमेठी में बहुत तानाशाही है। लेकिन स्मृति ईरानी कह रही कि अब की बार राहुल आते तो दोबारा हराते उनको। अब बेवकूफ जनता नहीं बनेगी। कैसे? तानाशाही और झूठ बोलने पे, झूठ बहुत हो गया अब स्मृति ईरानी का, अब जीतेंगी नहीं यहाँ पे, जमानत जब्त हो जाएगी। अमेठी को यदि अमेठी बनाया है तो गांधी परिवार बनाया है,
अमेठी को विश्व में नाम हुआ तो गांधी परिवार भी हुआ है। और जो अमेठी में बना दिए 70 साल में कांग्रेस, उसको 5 साल में स्मृति ईरानी जी आई, यहाँ से विकास से सब उठा ले गई, ट्रिपल आईटी टीकर वापिस से उठा ले गई। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ अमेठी से, और नामांकन के वक्त की ये तस्वीरें हैं। कांग्रेस पार्टी ने केएल शर्मा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, और केएल शर्मा जो है वो यहाँ पर अपनी क्या छाप छोड़ पाते हैं, स्मृति ईरानी को कितनी टक्कर दे पाते हैं, या केएल शर्मा जो है वो इस बार तो क्या रहेगा, केएल शर्मा जो है वो अब सामने है स्मृति ईरानी के। स्मृति ईरानी की हवा हवाई है अब, जय समाजवाद। सच तो है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस जितने लोग हैं भारी मतों से हम लोग जिताने का काम करेंगे। हाँ, कांग्रेस के लोग कुछ निराश हैं, लेकिन समाजवादी नहीं, हम तो गठबंधन में हैं, मेरा काम है पंजाब को जिताना। जी, स्मृति ईरानी के सामने अब केएल शर्मा है, राहुल गांधी नहीं। बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, और जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं उनका काम होता है पार्टी जिसे भेज दे उसे जिता कर संसद भेजने का। चांदनी चौक में 13 किलो चीनी भेज। लेकिन ये मायूसी नहीं, राहुल नहीं है तो? नहीं, कोई मायूसी नहीं, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे संदेश भेज दिया है, आपका काम है गठबंधन प्रत्याशी को जिताना, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी किसको लड़ाएगी, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस प्रत्याशी शर्मा जी को जिताने के लिए काम करेंगे। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था कि राहुल उतरेंगे तो चुनाव एक अलग लेवल पर चला जाएगा। राहुल जी हमारे लोकप्रिय नेता थे, अमेठी से सांसद भी थे, पूर्व सांसद, तो यहाँ के जन जन के प्रिय थे राहुल जी। लेकिन राहुल जी ने अगर किसी को चुन के भेजा है तो हमारा काम है उनकी उनको जो है जिता के भेजने का। ये राहुल गांधी नहीं बल्कि अब केएल शर्मा है, तो क्या क्या रहेगा यहाँ मुकाबला? मुकाबला कांटे का है और जीतेंगे, जीतेंगे और 5.5 लाख लग रहा है पक्का। जी के आने से हमारे संसदीय क्षेत्र अमेठी में ब्राह्मण समाज के जो बुद्धिमान है 70-75% वो शर्मा को वोट देने जा रहे हैं, जो भी बीजेपी को देते हैं, बहुत खुशी की बात है। ब्राह्मण समाज अपने साथ और लोगों को जोड़ के 5 लाख वोटों से केएल शर्मा को जिता कर भेजेगा। 5 लाख वोटों से केएल शर्मा जी चुनाव जीतेंगे अमेठी का। लेकिन राहुल आते तो क्या यही भीड़ होती? बिल्कुल, इससे भी ज्यादा होती, इससे ज्यादा हो। राहुल का ना आने का असर है? नहीं असर नहीं है, मतलब थोड़ा अब 19-20 हो ही जाता है उसमें। माननीय राहुल जी ने जो क्या ठीक किया, इस्तीफा देना पड़ता चाहे वहाँ से यहाँ से, कम से कम इस्तीफा नहीं देने पड़ेगा, डबल खुशी है। नहीं, लेकिन फिर भी रायबरेली अगर 2 सीट रहेगी तब तो, अगर 2 सीटों पे जीतेगी तो एक सीट प्रियंका दीदी चली जाएंगी, वहाँ लड़ लेंगे वायनाड में, और क्या। देखिए राहुल को यही रखेंगे, हाँ ये बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। राहुल को आप रायबरेली रखेंगे? हाँ बिल्कुल, वो तो उनका ये सुल्तानपुर रायबरेली ये सब उन्हीं के तो है, सुल्तानपुर रायबरेली। अरे गठबंधन के साथ है, नाराजगी नहीं रहेगी इससे कि राहुल जी नहीं, कोई नाराजगी नहीं, अपनों से नाराजगी होती है लेकिन 5 मिनट में वो नाराजगी खत्म हो जाती है, नाराजगी अपनों से ही। कहा था हम तो यही पूछ रहे कि राहुल के सामने, राहुल नहीं बल्कि अब केएल शर्मा स्मृति ईरानी के सामने ये क्या चुनाव रहेगा? सोनिया राहुल जी के हनुमान है, स्मृति के लंका में आग लगा हुआ है, मालूम ना है का? ऐसी बात है, आओ का, ये हनुमान जी हैं, हाँ ये हनुमान है। और आपको बता दी बगलिये बराबर आईली धमक से तब जाइए, ये धमक में कुम्हला जाइए, जो भट्टा जल रहा तो हरी बगल कीड़ा मकोड़ा नहीं जाते हैं, जान रहे हैं। ये जो है पहले यहाँ आते थे, इनका पारिवारिक संबंध है। मैं बताऊँ राव, ये केएल शर्मा जी जो हैं मुझको जानते हैं, मेरे बाप को भी जानते हैं, जान रहे हैं। ये हाल है, 40 साल से सेवा कर रहे हैं हम लोग, हमारे कार्यकर्ता है, इनका जो है छोटे से लेके बड़े गांव तक हर लोगों तक इनकी पहुंच है, यहाँ के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को जानते हैं। लेकिन राहुल आते तो फिर क्या माहौल होता? नहीं देखिए, वो तो बड़े नेता हैं, बात सही है आपकी, सब मान रहे हैं कि 100% सही है, लेकिन इनके आने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। जब बदलाव रहता है तो कांग्रेस का सिंबल यहाँ चुनाव लड़ रहा है, यहाँ कोई कार्यकर्ता लड़ रहा है चुनाव, यहाँ सिंबल चुनाव लड़ता है और कांग्रेस का माहौल है यहाँ। यार राहुल जी आते और अच्छा प्रदर्शन होता, लेकिन पिछली बार राहुल थे तब राहुल नहीं जीत पाए तो केएल शर्मा जीत पाए। कई बार क्या होता है, हम लोग गलतियां करते हैं। गया था कि 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, सस्ता सिलेंडर मिलेगा, बहुत से कारण थे। अब समझ में आ गया जनता को कि जो भी थे वो छलावा थे, बहकावा थे, कुछ मिला नहीं, जनता को निराश मिला और कुछ नहीं। ये असर जो है वो
इस बार सबसे ज्यादा किस चीज का है? इस बार महंगाई, बेरोजगारी, असमानता, बहुत चीजें हैं। बेरोजगारी जो पेपर लीक हुए हैं, जनता जो बच्चे हैं, मतलब जिस तरीके से आप देखेंगे हर जगह बड़ी सीट होती है, उसमें बड़े चेहरे जो है बड़ा अहम योगदान रहता है। बात सही है, लेकिन ये चीज जानिए कि राहुल जी नहीं भी आए तो उनका एक कार्यकर्ता, उनका हनुमान भक्त एक तरीके से केएल जी लड़ रहे हैं, वो सबसे करीबी है। हमारी बात दिल्ली तक, राहुल जी तक वही पहुँचाए कर सकते हैं, तो ये अपना भी प्रतिनिधित्व कितना अच्छा करेंगे। जानते हैं इंदिरा जी जब चुनाव हारी थी 84 में, उसके बाद उनको रायबरेली से ही उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा बनी थी, तो वो सीट हमारे लिए लकी भी है, इसलिए राहुल जी वहाँ गए, इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो यही सब रीजन है। बाकी क्या कह रहे फिर बताइए। राहुल जी जो है वहाँ से रायबरेली की जो सीट है, हमको जब ये इंदिरा जी चुनाव हारी थी इमरजेंसी के बाद, फिर उस सीट ने उनको जीवन दान दिया था एक तरीके से, प्रधानमंत्री बनाया था। तो वायनाड से भी लड़ रहा है, यहाँ से दोनों सीटें हैं, और हम लोग यहाँ से रायबरेली से जीतेंगे और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के एक बार फिर से। डुमकी से जब दूसरी सीट चेन्नई साइड थी, वहाँ से लड़ी थी इंदिरा जी, तो उसके बाद एक रायबरेली थी, वहाँ से दोनों सीटें उनको रायबरेली से लड़ी थी। ये आप आइए थोड़ा आगे, ये मैं थोड़ा यही समझना चाह रहा हूँ और देश के लोग भी इस बात को समझना चाह रहे हैं कि अमेठी में इस बार राहुल नहीं है तो कांग्रेस का क्या माहौल रहेगा? कांग्रेस का माहौल पूरे अमेठी में नहीं, पूरे देश में है कांग्रेस का माहौल, और ये तो अमेठी है तो अमेठी कांग्रेस का ही है। स्मृति ईरानी का विरोध हमको जिताएगा, स्मृति ईरानी का विरोध हमको जिताएगा, तानाशाही हमको जिताएगी। बुकुल बाजार में दीदी एक भी बार वापस नहीं आई है अमेठी, 13 रुपए किलो चिड़िया तक हम लोग को नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली है। और सुनिए, और सुनिए, अग्निवीर इन्होंने किया है 4 साल से मेहनत की, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं मिली हम लोग को। ये तस्वीर आप देख लीजिए, केएल शर्मा मंच पर है, और केएल शर्मा जो है वो अपने रथ में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये हाथ बदलेगा हालात, ये कांग्रेस नारा दे रही है, और केएल शर्मा को कितने लोग जो है वो यहाँ से अपना आशीर्वाद देते हैं, या कितने लोग केएल शर्मा के लिए जो है वो वहाँ पर वोट डाल करके माहौल बनाते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन क्या राहुल होते तो यही माहौल होता, या फिर राहुल के नहीं आने से मायूसी है, या फिर केएल शर्मा जिस तरीके से पुराने नेता है, करीब 40 साल से यहाँ पर है, और 40 साल से लगातार गांधी परिवार को यहाँ पर देखते रहे हैं। गांधी परिवार वैसे चुनाव लड़ने के लिए और बड़े बड़े मौकों पर जरूर आता रहा, लेकिन केएल शर्मा वही जो है वो हर छोटे बड़े मौके पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संभालने का काम करते रहे, तो अब उनके हाथ में एक तरह से सीधी बागडोर आ गई है, तो सीधी बागडोर अब केएल शर्मा के हाथ में है। तो इस सीट पर मुस्लिम जो है वो अच्छी खासी तादाद में है, यादव अच्छी खासी तादाद में है, और ब्राह्मण भी अच्छी खासी तादाद में है। तो अब सवाल यही है कि कई सारे समीकरण मिल रहे हैं, इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी साथ में है इस बार, तो ये सारे समीकरण जो है वो इस बार किस तरफ जाते हैं? आम आदमी भी है साथ में, ये नहीं है इस बार जो है में राहुल गांधी, तो इससे कहीं ऐसा तो नहीं कि नाराजगी जो है वो हो जाएगी या मायूसी हो जाएगी? सुनिए सुनिए, अब यहाँ पे अमेठी में क्या होगा, हाथी घोड़ा पार की जय किशोरी लाल की, हाथी घोड़ा पार की जय किशोरी लाल की, विजयी होंगे किशोरी लाल की जय, कांग्रेस भारी मतों से विजयी होगा, आगे पीछे कोई नहीं होगा। राहुल नहीं है, कोई बात नहीं, राहुल नहीं, क्या असर है कि नहीं है? कोई असर नहीं है, कांग्रेस ये उनका घर है, हमको अपना घर बचाना है और कांग्रेस को बनाना है, चाहे जो हो। अपने घर के एक सदस्य को ही तो किए हैं यहाँ पे, लेकिन अगर राहुल आते तो क्या असर है? राहुल आते तो कोई असर विशेष नहीं, अगर इस समय कांग्रेस का ये माहौल है कि अगर कोई कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ेगा तो वो भारी मतों से जीतेगा। स्मृति ईरानी का विरोध सब मिलकर कर रहे हैं, ये चुनाव हारेंगी ये निश्चिंत है। देखिए ये केएल शर्मा का जो है वो नामांकन के लिए वो जा रहे हैं, और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त में ये अमेठी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दोपहर का समय है, चिलचिलाती धूप है, लेकिन उसके बावजूद अमेठी में राहुल गांधी के नहीं आने के बावजूद जो है वो लोग हैं, लेकिन उतनी भारी तादाद में शायद लोग नहीं आए जितनी भारी तादाद में अगर यहाँ से राहुल गांधी होते तो शायद यहाँ पर जो भीड़ होती वो भीड़ के मुकाबले अब ये भीड़, इसको समझना, इसका आकलन करना, और गांव देहात तक जब ये तस्वीरें जाएंगी, अलग अलग विधानसभाओं में जब ये तस्वीरें जाएंगी, और देश भर में जब ये तस्वीरें जाएंगी, तो इस चुनाव पर क्या असर पड़ेगा,
बड़ा सवाल ये है। लेकिन हाँ, कार्यकर्ता तीनों पार्टियों के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप जो अगर आपको वो गाड़ी दिखाई दे रही है, जो रथ दिखाई दे रहा है जिसपे केएल शर्मा मौजूद है, तो समाजवादी पार्टी के झंडे भी बराबर से, बल्कि तीन समाजवादी पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, दो कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं जिस गाड़ी के अंदर यहाँ पर केएल शर्मा जो कि उम्मीदवार बनाए गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमेठी में, वो मौजूद है वहाँ पर। तो ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों का जो कार्यकर्ताओं का जो एक मिलान है वो हो पा रहा है? वोट भी में भी तब्दील होगा? वोट में पूरी तरह तब्दील हो रहा है। पूरी सपा के पूरे कार्यकर्ता तनमन से लगे हुए हैं, सपा के पूरे कार्यकर्ता तनमन से लगे हुए हैं, समझ लीजिए अखिलेश लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सुबह सुबह जब ये खबर आई 8 बजे कि राहुल नहीं आ रहे हैं, तो क्या आप लोगों के बीच में पहला रिएक्शन था कि राहुल नहीं आए हैं तो क्या होगा इसका? नहीं, वो तो पहले से था कि या तो केएल शर्मा यहाँ से लड़े, या तो केएल शर्मा लड़ेंगे या तो राहुल गांधी लड़ेंगे। ये पहले से ही पता था कि या तो केएल शर्मा यहाँ से लड़ेंगे या तो राहुल गांधी लड़ेंगे। तो हम लोगों को कोई ऐसा वो नहीं हुआ कि आश्चर्य हुआ कि हाँ ये कैसे हो गया। ये तस्वीरें जो है वो आप देखिए। अब इस सड़क से आज राहुल गांधी को जाना था, यहाँ से नामांकन राहुल गांधी को करना था, लेकिन राहुल नहीं अब गए हैं केएल शर्मा। तो क्या रहेगा शर्मा जी का माहौल, कैसा रहेगा राहुल के बिना? अच्छा माहौल रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा माहौल रहेगा। ये जिस तरीके से राहुल अगर यहाँ पर होते तो वो माहौल रहता, और ये अभी का माहौल कितना अंतर देख पा रहे हैं दोनों में? अंतर नहीं होगा। हाँ। सिर्फ 2-3 दिन का मैनेजमेंट का बात रहेगी। 2-3 दिन में शर्मा जी लोगों से संपर्क करेंगे। कम से कम 20,000 वोटर ऐसे हैं जिनको शर्मा जी बाई फेस जानते हैं। 20,000 से, लेकिन लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के 20,000 लोग ऐसे हैं जो जिला स्तर के लोग हैं जिनको केएल शर्मा जी खुद भली भांति अच्छी तरीके से परिवार से जानते हैं कि ये कौन है, इनका नाम क्या है, किस परिवार से रहते हैं, ये दलित हैं कि पिछड़े हैं कि अगले हैं कि मुस्लिम हैं, उनको सब कुछ पता है। तो इनको चुनाव लड़ने की चुनाव लड़ने के लिए कोई परेशानी नहीं। ये राहुल जी और प्रियंका जी ने एक जिम्मेदारी उन पे दे दी है जिसको वो बखूबी निभाएंगे। और तो ये राहुल अगर होते तो यही माहौल दिखता? राहुल होते तब भी यही माहौल था जो आज की तारीख में है। किशोरीलाल शर्मा 41 साल से गांधी परिवार की सेवा कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, वो बहुत ही नज़दीकी इस परिवार के रहे हैं। ये हमारी एक रणनीति है। हम केंद्रीय मंत्री को एक कांग्रेस के छोटे से वर्कर से चुनाव लड़ा के उनको हरा के हमें साबित करेंगे कि गांधी परिवार के लिए अमेठी तब भी बहुत प्यार देता था, आज भी दे रहा है। ठीक है, तो रायबरेली में अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे, और वहाँ पर नामांकन जो है वो होना है, राहुल गांधी का नामांकन होना है, और वहाँ की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूँ।